सवाल ये था हजरत कि मैं हनफी इमाम के पीछे तरावी पढ़ता हूँ और उस मस्जिद में 30 रकात तरावी है और मैं 8 जी पढ़ के वहां से चला जाता, क्या ये दुरुस्त है? शिक्षा पान इमाम पूरी 20 पढ़ाते हैं। भाई जो है ये तो धोखा हो गया ना। आप जो है वहां से 8 पढ़ के निकलते हैं तो 8 में जो वक्त लगता है वो तो और शार्ट हो गया, बहुत शार्ट हो गया। वो तो जी उससे जी आप ऐसा ना करें, आप जहाँ 8 होती है वहां जाइए पढ़िए, ताकि 8 के अंदर जो जिस तरह तादिल अरकान के साथ और इत्मीनान के साथ जिस तरह वो पढ़ा जाता है उस तरह पढ़ें। आप 20 में, 20 वाले में 8 पढ़ेंगे ना तो बहुत छोटा सा वक्त जो है दो जी ऐशा की नमाज के बराबर हो जाएगा। तो आप ऐसा ना करें, आप इत्मीनान से अच्छा, और लंबी तरह होती है उस तरह पढ़ें और उस मस्जिद में मैंने जाएं जहाँ 8 हो। मैंने ये शुरू से असल में सवाल नहीं मतलब है, देखिए ये कोई इल्मी फिक्री सवाल नहीं है, ये सब टेक्निकल डीलिंग वाली चीजें हैं, तो इस पे क्या बहुत ज्यादा गुफ्तगू की जाए। हाँ ये आप समझ सकते हैं इसको, जी मैं समझ गया, मैं समझ गया। मतलब शुरू में ऐसी कोई मैंने चीज शुरू नहीं से है कि पढ़ जिसका लिया, जवाब लेकिन आलिम दे। अब छोड़। जी, बिल्कुल, आप शुक्रिया मस्जिद तलाश लें और क्या सीरियस की बात है। ठीक है, जजाकल्लाह खैर। शेख जी। शेख किफायत, ठीक है किफायत आप आपकी म्यूट आवाज कीजिए, नहीं आ रही है, अनम्यूट सलाम वालेकुम हो जी। जाइए शेख। नहीं, कुछ लोग अगर ये सोचते हो कि चलो देवबंदी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, 20 रकत बहुत जल्दी जल्दी होती है, तो 8 रकत हमारी बहुत जल्दी हो जाएगी, ऐसे कुछ लोगों मैं जानता हूँ। हम लोग जो है दिल्ली पढ़ते थे, तो ऐसे कुछ लोग ऐसे निकल जाते थे कि वहाँ जल्दी निपट जाएंगे, जल्दी हो जाएगा। तो ये गलत बात है कि आप जल्दी के चक्कर में आप जाएँ वहाँ पे कि हम वहाँ पढ़ते हैं ताकि हम 8 पढ़ के निकल जाएंगे, हमारा जल्दी हो जाएगा। तो 8 रकत जो लोग पढ़ते हैं बहुत सुकून इत्मीनान के साथ पढ़ते हैं, आप लोगों को उन्हीं के साथ पढ़ना चाहिए। भाई एक ही इलाके में ना दो मस्जिदें होती हैं, अहले हदीस की मस्जिद होती है और देवबंदी हजरत की मस्जिद होती है, तो उसमें कुछ लोग वहाँ चले जाएंगे इसलिए कि बहुत जल्दी हमारी 8 रकत हो जाएगी, ये तरीका सही नहीं है। जी हजरत कह रहा था, मैं अभी लेटेस्ट में अहले हदीस हुआ और मेरे इलाके जी में अलहमदुल्ला, जो है अहले हदीस मस्जिद जो है सिर्फ एक है जो थोड़ी दूरी पे, इसलिए मैं शुरू से अंतिम में पढ़ता था, वहीं पे पढ़ रहा था। ठीक है आप देखें इंशाल्लाह कुछ बातें। आप एक काम करो, ऑर्गेनाइज करो, हो सकता है बहुत और दूसरे लोगों के लिए एक स्लो वाली किरात वाली, कोई हाफिज को लेकर जो 8 रकात पढ़ा इत्मीनान वाली, किसी का टेरेस हो, किसी का घर हो, कारखाना हो, मस्जिद हो, मिल जाए या कहाँ जो मिल जाए मौका, देखिए आप इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज करें आप। जी इंशाल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। आई प्लस टीवी ने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है आई प्लस टीवी इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलायल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जजाकल्लाह खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।